नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर थाना डुमरियागंज क्षेत्र अंतर्गत रमवापुर नेबुआ गांव में एक सप्ताह पहले बाजार से अपने घर वापस आ रही दलित महिला को दो युवकों ने दबोचकर जबरन खेत में दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। महिला के शोर मचाने पर दोनों युवक धमकी देते हुए फरार हो गए, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने पर भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। आरोपी युवक घूम रहे हैं खुलेआम। सिद्धार्थनगर से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। कैसा नहीं है जैन साहब की ऐसा है कि हमें चीनी और भेली हम बाजार से 6 बजे आवत रहे और दोनों जने वही मोड़ पर ठार रहे दल सिंगार के खेते के और वहीं हमें पकड़ कर मुँह हमारे पकड़ कर फेंक दिन खेते में। हमारा आदमी दूर रहा दौड़ा है तब तक उल्टा सीधा कहा था कि चमाइन के जा तू का कह सकती हूँ तुम्हें अब की जान से बकस दिया अब की मार तो बताओ हम चमार का जात तो होवे करी साहब। तो यह चीज़ है कहे का हमारे गलग ने से पटक दिए खेत में और कहीं नहीं कि हम अब की छोड़ दिए चमाइन के जात हमारे कुछ नहीं कह पाऊँ हमारे आगे पीछे क्यों नहीं है तो हमारे सुनवाई करा जाए कि नहीं करा जाए। 4 तारीख से हम दौरी था और हमारे को सुनवाई नहीं करत है। 8 दिन हो गए हम आगे बढ़ के अब जाब एप्लीकेशन दूसर दे हम नौगढ़ से करब जैसे जाब एस पी साहब के यहाँ करब कि वह सब इज्जत के लाग हैं वह कि इज्जत लूटे कहाँ तो हम गरीब आदमी हैं हमारा नहीं अगर सुना जाए तो हम आगे बढ़ के जाब एस पी साहब के यहाँ करब।